हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट मास्टर। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी एई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो सिविल इंजीनियरिंग के हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा किसी भी हाल में, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके एग्जाम में प्रिपरेशन को लेकर के बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। और इसमें दिए गए बताए गए कुछ इंस्ट्रक्शन जो है उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके जो है स्कोर डेफिनेटली अच्छे आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि मैं अनएकेडमी पर ट्यूसडे से, ट्यूसडे यानी कि आपका हो गया 10, ठीक है, 10 तारीख से, 10th of May से 2 शिफ्ट में, पर डे 2 शिफ्ट में मैं आपके साथ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है। पर डे 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट मॉर्निंग में होगा 1 घंटे का, दूसरा शिफ्ट इवनिंग में होगा 1 घंटे का। दोनों शिफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और डेली करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो स्पेशली फोकस्ड ऑन बीपीएससी एई जो 2020 का एडवर्टीजमेंट है उसके एग्जाम को फोकस में रख करके, उसके एग्जाम को ध्यान में रख करके यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है किसी भी हाल में इस सेशन को मिस नहीं करना है, पर डे 10th of May से, ठीक है, ट्यूसडे से पर डे ये सेशन होगा। मॉर्निंग सेशन जो है उसका टाइमिंग रहेगा 8:30 से 9:30, यानी कि 8:30 AM to 9:30 AM, और इवनिंग सेशन जो रहेगा उसका टाइमिंग रहेगा 7:30 PM to 8:30 PM, यानी कि 7:30 से 8:30 बजे शाम में। तो ये दोनों सेशन एक एक घंटे का होगा और दोनों सेशन में हम लोग मैक्सिमम जितना हमारा कोशिश रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और आपस में डिस्कस करके हम लोग उसको करेंगे। ये सेशन लाइव होने वाला है और इसका जो वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेशन जो है वो यूट्यूब पे नहीं डाला जाएगा। इसीलिए अनएकेडमी के ऐप पर, लर्निंग ऐप पर वो आपको सारा कंटेंट मिलेगा और उस सेशन को आप लाइव ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लाइव ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन में जो भी दिक्कत हो आप हमें, हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन पर डे 2 शिफ्ट में आपको ध्यान रखना है ये होने वाला है। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जितने भी किसी भी सब्जेक्ट में आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका वो सब्जेक्ट पे जो है आपका कमांड उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो 7/20/20 का जो एग्जाम है वो 12-13 जून को है, तो आपके पास टाइम नहीं है, बस 1 महीने है। तो 1 महीने में हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी मैक्सिमम सब्जेक्ट हो पाए, ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट उतना हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो है हम लोग इसके बाद भी, ठीक है, इसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इस सेशन को, जो 12-13 का एग्जाम है जून में उसके बाद भी इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आपका एक और एग्जाम है 2 और 3 जुलाई को, ठीक है। 2-3 जुलाई को जो है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों का एग्जाम है, तो आपको जो इस सेशन में कंटिन्यू रहना है। सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, ठीक है। तो यानी कि 10 को जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद जो है सबसे पहले हम लोग जनरल इंजीनियरिंग के जो पेपर हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे जनरल इंजीनियरिंग में जो सिविल के पेपर है खासकर उसको हम लोग कवर करेंगे। तो उसमें हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, फिर उसके बाद सॉम हो गया, फिर हो गया आपका एफएम, ठीक, एफएम के बाद हो गया आपका बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल के बाद हो गया सर्वे। तो ये पांच जो, और उसके बाद इन्वायरमेंट, ये 6 पेपर जो है सिविल इंजीनियरिंग के, वो 6 पेपर का हम लोग सबसे पहले वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और एक सब्जेक्ट में हमारा जो टारगेट रहेगा कि लगभग 50 क्वेश्चन के अराउंड पर सब्जेक्ट में हम लोग क्वेश्चन करें, ठीक है, ताकि उस सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो क्वेश्चन हम लोग कर लें, ठीक है। तो इस सेशन को ज्वाइन करना जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप जो है एग्जाम, जितने एग्जाम से पहले आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे उसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो डेली दोनों टाइम जो है आपको पेन और पेपर लेकर के और वहां पे बैठ जाना है, बैठ करके और जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और चैट बॉक्स रहेगा, उसमें आंसर बताना है, कोई दिक्कत हो तो वो भी बताना है, ठीक है। तो मस्ट है आपको ज्वाइन करना है एवरी डे फ्रॉम 10th of May। मॉर्निंग सेशन टाइमिंग क्या है, 8:30 AM to 9:30 AM, और इवनिंग सेशन का टाइमिंग जो है वो 7:30 PM to 8:30 PM। तो ये हो गई जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके होंगे वो। अब देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमारा जो है टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होना होना चाहिए कि कितने समय में हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो किससे कितने समय में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेट लगाना होगा। ठीक है, कितने सेट आप लगा रहे हैं वो सेट उस पर डिपेंड करेगा कि आप मान लीजिए एक सेट आपका एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होता है, 2 घंटे में 50 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, तो आप जो है 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको चेक करने के लिए आप जो है हमारा टेस्ट सीरीज जो है गेट मास्टर के मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। और उस टेस्ट सीरीज में टोटल आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। 5 मॉक टेस्ट के अंदर जो है पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका नहीं रहेगा। आपको जो है स्टार्ट किया जाएगा जनरल स्टडीज से यानी कि पेपर 3, और उसके बाद पेपर 4 में आपका जनरल इंजीनियरिंग साइंस, पेपर 5 में जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी आपका ब्रांच उसका पेपर 5 और पेपर 6। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सारे टेस्ट आपको जो है अपलोड कर दिया गया है एक ही बार, क्योंकि आप जो है बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेरीज थे पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें, कि आप जो है सारा टेस्ट एक ही बार दे दीजिए, हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो उसी को ध्यान में रख करके आपको जो है सारा टेस्ट एक ही बार दे दिया गया है। 5 मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट मीन्स टोटल 20 टेस्ट है। ठीक है, तो 20 टेस्ट जो है आपको दे दिया गया है एक साथ ही, और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है तो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस के रूप में वहां पे कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो सेशन है ही, बाकी इससे जो है सेट लगाने के लिए या फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के लिए आप वहां पे गेट मास्टर के मोबाइल ऐप को रेफर कर सकते हैं, और वहां पे अगर कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ वहां पे आप देख सकते हैं। और बाकी जो जो भी रिलेटेड लिंक है, जैसे ऐप का लिंक हो गया, कोर्स का लिंक हो गया, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एन अकेडमी पे जो लाइव सेशन होगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये सब सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है आपके वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से जाइए, वो गो थ्रू हो करके एक बार देख लीजिए, जो भी आपका काम आपके काम का लिंक है उस पर क्लिक करके आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए जनरल इंजीनियरिंग में ही प्रॉब्लम है, तो जनरल इंजीनियरिंग में जैसे सिविल के स्टूडेंट है तो सिविल को खासकर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो पेपर हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, और जो मैकेनिकल के हैं उनको सिविल और इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है, और सिविल का पेपर जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जनरल इंजीनियरिंग का हो गया या फिर सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसके कोर्स आपको चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इसका रिविजन कोर्स है। ठीक है, अगर आप रिविजन करना चाहते हैं और अभी जितना समय है आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप किसी को डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ रिविजन आप कर सकते हैं, तो रिविजन के लिए आपको कोई कोर्सेज चाहिए तो उसके लिए गेट मास्टर के मोबाइल ऐप पे ये भी अवेलेबल है। वहां पे जाकर के आप जो है वो कोर्स को आप ले सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। वीडियो में आपको क्या किया गया है कि जो भी सब्जेक्ट है उसका रिविजन करवाया गया आपको, प्रॉपर रिविजन। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में रिविजन करवाया गया है। कुछ सब्जेक्ट के टेस्ट भी आपको मिल जाएगा वहां पे, तो उसको जाकर के आप गो थ्रू हो सकते हैं, और कोई रिलेटेड इससे रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पे जाकर। तो मस्ट ध्यान रखना है आपको कि अगर आप टेस्ट सीरीज ले लेते हैं या फिर ये सब जो लाइव सेशन है उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको जो है मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई परेशानी आने वाले एग्जाम में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे यहाँ पे वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 10 तारीख को सुबह में 8:30 बजे से जरूर ज्वाइन करना है ये सेशन को, चाहे जो भी हो जाए। आप कितने भी बिजी हो लेकिन आप अपने एग्जाम के लिए पर डे कम से कम 2 घंटे आप जरूर निकालिए, ताकि आपका जो एग्जाम है, क्योंकि 1 महीने टाइम बचे हुए हैं, तो 1 महीने में आपका जो प्रिपरेशन है कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही सब बातें थी जो हमें आपके साथ शेयर करना था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इससे कुछ आपको बेनिफिट मिला होगा, कुछ जानने के लिए कुछ बातें मिली होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं जो इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और इससे रिलेटेड अपडेट अगर आपको रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बाकी जो भी बातें होंगी वो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।